हेलो गाइस, मैं हूं एमजे और आप देख रहे हैं एमजे टॉक्स। आज का वीडियो थॉर के सबसे फेमस स्टोरी थॉर द गॉड ऑफ थंडर पे है। इसे जैसन एरन ने लिखा है। आपको आगे स्टोरी के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टोरी अपने आप में ही एक कंप्लीट स्टोरी है। तो अगर आपको थॉर के बारे में बेसिक चीज़ें पता हो तो भी चलेगा। इस कहानी में हम तीन थॉर्स को देखेंगे, जिसमें एक पास्ट से है, एक प्रेजेंट से और एक फ्यूचर से। तो समझने में आसानी हो इसलिए हम पास्ट के थॉर को यंग थॉर, प्रेजेंट के थॉर को थॉर और फ्यूचर के थॉर को किंग थॉर बुलाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं थॉर गॉड ऑफ थंडर के चैप्टर 1 वर्ल्ड विदाउट गॉड। कहानी की शुरुआत होती है साल 893 अर्थ पे, जहाँ वेस्टर्न कोर्ट ऑफ आइसलैंड में थॉर जायंट ने दहशत मचा रखी है। उसने गॉड्स, चार डॉग्स और दो बच्चों को खा लिया था। गांव की औरतें भगवान को प्रे कर रही है मदद के लिए और उन्हें मदद मिलती भी है। तब यंग थॉर आके 20 लोगों का एक ग्रुप लेके उस फ्रॉस्ट जायंट की गुफा में ढूंढने जाता है। आगे उसे मारकर सब लोग जश्न मनाते हैं। तभी बाहर से अचानक एक चीख सुनाई देती है। तब थॉर ने अपनी एक्स उठाई और बाहर देखने जाता है। जब वो बाहर आके देखता है तो उसे दिखाई देता है कि पास की नदी में खून बह रहा है। जब वो पास जाके देखता है, पास जाके देखने पर उसे एक कटा हुआ सर मिलता है। जब उस सर को थॉर देखता है तो वो उन लोगों को कहता है कि वो एक गॉड का सर है। और ये सब सुनकर उसके आसपास के लोग घुटनों पे बैठकर प्रे करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कौन है जिसने एक गॉड को इतनी बुरी तरह से मारा। आगे हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट डे प्लेनेट इंडिगार पे, जहाँ पर अकाल पड़ने के कारण लोग थॉर से प्रे करते हैं कि यहाँ प्लेनेट पर सालों से बारिश नहीं हुई है। लोग मर रहे थे और कुछ ही दिन में बाकी लोग भी मर जाएंगे। तभी अचानक बिजलियाँ कड़कने लगती है, हर जगह नदियाँ बहने लगती है जहाँ पहले रेगिस्तान हुआ करता था। और तब थॉर आता है। थॉर को देखकर वहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर उसे इस बात की चिंता थी प्लेनेट के गॉड्स कहाँ है, क्यों वो इन लोगों की प्रेयर्स को नहीं सुन रहे हैं। और इसी सवालों को ढूंढने के लिए थॉर उन गॉड्स के महल पर पहुंच जाता है। जब वो महल पे जाके देखता है तो वो महल पूरा वीरान था, वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तब थॉर ने उस महल के दरवाजे खोले और तब वो देखता है कि वहाँ के सभी गॉड्स मर चुके हैं और वो सब खूंटों पे टांगे हुए हैं। ये देखकर थॉर हैरान हो जाता है। तब अचानक थॉर पे कोई हमला करता है। वो और कोई नहीं, महल का एक डॉग था जो महल की रखवाली करता है। थॉर उस डॉग को रोकता है और सोचने लगता है कि उसने ऐसे पहले भी देखा है, जब एक गॉड का सिर एक नदी में मिला था। आगे वो सोचता है कि अगर गॉड द गॉड बुचर अभी भी जिंदा है तो अभी काफ़ी गॉड्स की जान जाने वाली है। और अब कहानी पहुंच जाती है काफ़ी लाखों साल आगे, जहाँ किंग थॉर अपनी गद्दी पर बैठा था। ये थॉर वो पहले के दो थॉर की तरह नहीं था, वो उन दोनों थॉर से काफ़ी समझदार था। उसने अपनी सारी जिंदगी जंग में बिताई होती है और वो अपने एक हाथ को भी खो चुका है, जिसकी जगह पे उसने एक डिस्ट्रॉयर का हाथ लगाया था। किंग थॉर अपना हैमर उठाता है और एसगार्ड का दरवाज़ा खोल देता है और अकेला ही बाहर खड़ी उस दुश्मन की आर्मी पर टूट पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड ब्लड इन द क्लाउड बहुत ही जल्द आ जाएगा। अगर आ गया होगा तो मैं लेफ्ट साइड में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट, तो ज़रूर जाके देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।